HSN related changes. So as on date, हमारे HSNs के अंदर तीन categories है, less than 1.5, 1.5 to 5 and above 5 crore. Less than 1.5 optional, 1.5 to 5 two digit HSN, above 1.5 to 5 two digit, above 5 four digits. लेकिन अब आगे propose 1st April से क्या है, 1st April से अगर आप B2B में डील कर रहे हो, अगर आप B2B में डील कर रहे हो तो 1.5 crore वाली लिमिट तो हटा दी। उसने बोला QRMP डीलर्स, नॉन QRMP, मैं सिंपल बोलूं QRMP B2B 4 digit मैंडेटरी, नॉन QRMP 6 digits मैंडेटरी। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर आप B2B सप्लायर्स के साथ डील कर रहे हो और आपकी टर्नओवर 5 crore से कम है तो भी 4 digit HSN मैंडेटरी है, और अगर आप 5 crore से ऊपर वाले डीलर हो तो 6 digit आपके B2B इनवॉइस के ऊपर होने चाहिए, 1st April से एप्लीकेबल है। और अगर आप अनरजिस्टर्ड के साथ डील कर रहे हो तो 5 crore वाले को पूरी रिलैक्सेशन दे दी, लेकिन अबव 5 crore वाले को 6 digit ही मेंटेन करके चलना है। सो इट इज अ वेरी बिग कंप्लायंस बर्डन दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। कंप्लायंस बर्डन टैक्स पेयर का नहीं है सर, ये हम लोगों को HSN उनको आइडेंटिफाई करके देने, हम में से कितने लोगों को HSN देखने आते हैं। अब एक क्लाइंट है 2 digit HSN है, वो तो समझ लगता है, 4 digit और 6 digit के लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए, स्पेशलाइजेशन इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। एवरी प्रोफेशनल इज नॉट इक्विप्ड विद दी HSN कोड, उसका मतलब ये नहीं है कि HSN कोड के स्पेशलिस्ट होते हैं, ऐसा नहीं है, उस इंडस्ट्री का स्पेशलिस्ट चाहिए। अगर मैं चैप्टर 84 की बात करूं, मुझे समझना पड़ेगा कि मशीनरी के क्या क्या पार्ट होते हैं। मैं केमिकल्स की बात करूं तो मेरे को क्या पता केमिकल के इंग्रीडियंट्स क्या है, द क्लाइंट कैन ओनली टेल मी कि दीज आर द इंग्रीडियंट, एंड उसके बेसिस पे आई विल फाइनली कंक्लूड कि दिस इज द एप्रोप्रिएट हेडिंग दैट यू हैव टू यूज। सो 4 digit इज अ टफ टास्क एंड 6 digit इज इवन टफर। 2 सबसे ईजी होता था, सिर्फ चैप्टर आइडेंटिटी या काम करता, जैसे ही हेडिंग्स सब हेडिंग्स पे जाना पड़ता है थिंग्स स्टार्ट गेटिंग वेरी डिफिकल्ट। अब हम लोगों को करना पड़ेगा सर, 1st April से एप्लीकेबल है, इसका ये मतलब नहीं है 31 March को क्लाइंट को मेल डाल देंगे, जब HSN ढूंढने बैठेंगे पता चलेगा अपना ही दिमाग खराब हो गया ये कहां पे क्लासिफाई होगा। तो जो लोग मैन्युफैक्चरर्स के साथ डील करते हैं जहां पे वो ओरिजिन पॉइंट बनेंगे, दे शुड एंश्योर दैट दे ऑलरेडी हैव द फाइनल लिस्ट दैट दे हैव टू हैंड ओवर टू देयर क्लाइंट्स। और जहां पे वो रिटेलर्स हैं या ट्रेडर्स हैं वहां पे वो उनके मेजर प्रोडक्ट्स के अंदर एंश्योर कर लें कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग 6 digit या 4 digit आएगा वो ठीक है या नहीं। कई केसेस के अंदर ट्रेडर्स के अंदर आप क्या देखोगे कि वो जिनसे परचेज कर रहे हैं वो 4 digit दे रहा है लेकिन मुझे तो आगे 6 digit डालना है, वहां सब पे आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। एंड आई वुड सजेस्ट वो साथ साथ करेंगे तो बेटर रहेगा, इट मे टेक यू अ वीक, इट मे टेक यू 5 days, इट मे टेक यू 1 day, बट इट इज बेटर दैट आप आइडेंटिफाई कर लो अपने क्लाइंट्स को जहां जहां पे HSN की वर्किंग करनी है एंड स्टार्ट वर्किंग आउट दी HSN। ये सब लास्ट वीक में नहीं हो सकता है, लास्ट वीक में जुगाड़ होता है। And as a professional, I will never advise that you should give a random advice, ये वाला use कर लो, वो वाला कर लो, rate तो एक ही है। As a professional, you should tell them this is the precise heading, उनको client को साथ बिठा के कि what is the precise nature of your product, ये heading है, आप भी पढ़ो, सब इतने पढ़े लिखे तो आज की date में सब है that they can understand what is written, discuss with them and then conclude. Again sir, ये सब भूल जाते हैं, 1 April की, 1 April से applicable है, including me, हम भी भूल जाते हैं। But every now and then I have to ask my staff की working इस पे ऊपर करते रहना so that it is not कि last date के ऊपर pressure build up हो जाए कि clients बोलेंगे सर कितने HSN डालने हैं, कौन से डालने हैं। And with effect from 1st of December there were certain categories of chemicals for which 8 digit HSN was mandatory। 2 heads थे मेरे ख्याल, 2 chapters के थे तो बहुत limited applicability थी, लेकिन 1st December